दोस्तों आज आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं ग्रीन चिल। जी हाँ, जिसमें बायोफ्यूल का इस्तेमाल होता है, यानी कि जो बायोवेस्ट आपके खेतों में आप ऐसे ही जला देते हैं, उसको अगर आप सही तरीके से एक मशीन के द्वारा जलाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का फायदा हो सकता है। जी हाँ, एनर्जी को आप सेव कर सकते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है ये खास मेहमान जिन्होंने इस पूरी मशीन को डिजाइन किया। आपका नाम क्या है सर? राजवरुण राव। राजवरुण जी, ये बताइए पूरी मशीन जो है कैसे काम करती है, इसके बारे में कुछ बताइए। जो हमारे नॉर्मल रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है सर, वो कंप्रेसर बेस्ड सिस्टम रहता है, बट हमारे पास हमारी खुद की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कंप्रेसर यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बिजली की लागत होती है वो बहुत कम होती है। तो बेसिकली हमारा ये रेफ्रिजरेशन यूनिट है और ये बॉयलर यूनिट है। हमें जो मशीन चलाने के लिए एक बॉयलर है, ये इसको हमें रन करना पड़ता है। इसमें गर्म पानी होता है जो हमारी मशीन को रन करती है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसके अंदर हमारे फायर चल रहा है जिसके थ्रू हमारा मशीन गर्म पानी देता है और हमारा मशीन वर्क करता है। इसके अंदर हमारे पैलेट्स हैं, पैलेट्स, तो ये पैलेट्स हैं हमारे जो रन होती है यहाँ पे। जी, ये जो पैलेट्स हैं ये किस चीज से बने हैं, इसके बारे में बताइए कुछ। ये वुडन है। ये पैलेट्स जो होते हैं सर, आपके जो वेस्ट होते हैं उसको आप कन्वर्ट करके चला सकते हैं इस पे। तो बिसाइड पैलेट्स को छोड़ के भी, तो कौन कौन से किसान इस मशीन को लगवा सकते हैं और इससे फायदा कमा सकते हैं ये बताइए। जी, जो आपके फार्म होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं जी, जिनका वो वेस्टेज होता है और कोल्ड स्टोरेज का काम होता है, जैसे कि फल सब्जी पका रहे हैं और जैसे मार्केट में बेचना है, हाई प्राइस में बेचना है, तो वो लोग ये लगा सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आज इनकी फसल का टाइम आया है, ये लोग काट के इसमें प्रिजर्व कर सकते हैं हमारे कोल्ड रूम में, और जब मार्केट में उसका डिमांड मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो, ऑफ सीजन हो, तब बेच के अच्छा खासा मुनाफा। कॉस्ट की बात करें, किसान के सामने बड़ी समस्या आती है पैसे की, तो इसमें कितना इसका पैलेट खर्चा आता है और पूरे सेटअप को लगाने में लगभग कितना पैसा लगेगा? ये सेटअप सर जो है हमारा FPO में टाटा हमें सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है जी। तो जो कस्टमर खरीद रहे हैं उसको 50% सब्सिडी मिल जाती है प्राइस के ऊपर, और ये बहुत सारे डिफरेंट कोल्ड रूम के साइज में आती है, जैसे 15 मैट्रिक टन आ गई, 20 मैट्रिक टन आ गई, उसके ऊपर डिपेंड करके प्राइस वेरी हो जाता है। इसकी जो रनिंग कॉस्ट है सर, बिजली के मतलब नॉर्मल जो बिजली के जो चलते हैं कोल्ड रूम, उसके कंपैरिजन में बहुत लो है, जिसमें किसान को 3 से 4 गुना ज्यादा फायदा हो जाता है जो नॉर्मल कोल्ड रूम का होता है। तो देखा आपने कितनी शानदार मशीन के बारे में आज आपको बता दिया हमने किस खबर किसान की चैनल पे, हमने कैसे आप बताया आपको कि इस मशीन की मदद से आप बायोफ्यूल का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान अगर कोई कोल्ड स्टोरेज लगाने जा रहा है, चाहे वो सोलर एनर्जी वाला हो, चाहे बिजली वाला हो, बिजली द्वारा संचालित होने वाला हो, तो उससे ये लाख गुना बेहतर है। इसमें काफ़ी कम लागत में किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अच्छा एक बैकअप तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी सब्जी की खेती करते हैं, कोई ऐसी खेती करते हैं जिसको आप प्रिजर्व करना चाहते हैं 2 से 3 दिन या ज़्यादा दिन, तो आप इस तरीके की कोल्ड स्टोरेज को लगा सकते हैं, इस तरीके की पूरी प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें खबर किसान की।